बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। लखां करोड़ां दुरूद सोने कमली वाले आका हजरत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप दी आल थे, आप दे सहाबा थे। मेरा नाम जी डॉक्टर गज़नफर बुखारी है, पंजाब पाकिस्तान तो हाँ। तुसी देख रहे हो पीएचडी पंजाबी स्टूडियो का प्रोग्राम डॉक्टर गज़नफर के पुराने। अज जे साडे पुराने बने ने बहुत ही खूबसूरत नात वो शायर ने, नात बहुत सोहनी पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज है, तो रब ने उन्होंने कलम में भी बड़ी बरकत रखी है। मेरी मुराद है अहमद अली हाकम जी, किसी तरफ के मुहताज नहीं है, सारी दुनिया जानती है, इंटरनेशनल पद्धर के जगत पद्धर के नात शायर ने अहमद अली हाकम जी। साढ़े पुराने बनने का शुक्रिया जी, एन कहने तुम सरकार बहुत शुक्रिया। असि इस मौके से जी शहजाद आजम लंगरयाल जी का भी शुक्रिया अदा करने, साढ़े भरा ने उन्होंने बड़ा साड़ी बड़ी मदद की थी। अल्लाह और उन्होंने जिंदगी दे, हाशम नु भी रब जिंदगी दे, उन्होंने बेटे नु भी। हाजी अहमद अली हाकम जी, नाज शरीफ दे हवाले नाल गल करनी मकसूद है तुहाडे नाल जी, के की कैफियत हुंदी है जदों नाज शरीफ लिखण लगदे हो, जो लिखदे हो, क्यों जी? मैं पूछना वा जी, तो सवाल ही बड़ा कमाल कर दिता की कैफियत हुंदी है नाज पढ़न लगे। मेरे ख्याल कैफियत तो बगैर नात पढ़नी भी नहीं चाहिए। अगर कैफियत ही नहीं बनी तो फिर नात पढ़ने का भी मजा नहीं। तो मैं कहना कि एक ऐसा समंदर है कि जिस गर्क होने का अपना एक मजा है, जिसे एक नूर का समंदर है, एक रहमतों का समंदर है, जिस जिन्ना तुम डुबते जाओगे उन्ने तुम तरते जाओ। मेरे ख्याल च यह तरना कुछ ये कर्म तो बगैर नहीं हो सकता। इंसान की मंजिल नजर की अखा की जो गुंबद खजरा होता है तो फिर वजदान की कैफियत एक अलग होती है। अल्लाह तला मंजिल फिर आसान कर देता है जो उस पाना चाहते। क्या बात है जी, बहुत बहुत बड़ी जी, बहुत बरकत वाली गल है, बहुत भागा वाली गल है, सरकार की मदद कराई। फिर तुम नाज शरीफ लिखते भी हो, क्या बात है। लिखण लग्या पंजाबी तुहाड़ा मैं कलाम बड़ी दफा पढ़िया है, ते तुहाड़ी नात असि बड़े शौक नाल सुनने आ, बल्कि साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी चल रही है बड़ी तुहाड़ा प्यार करदी है, ते बड़ा ही एहतराम भी करदी है, क्यों जे तुसीं सरकार दी मदद सराई करदे हो, क्योंकि बहुत बड़ा एहसास है जी हुकूमती आस ते पंजाबी बोली जिहड़ी है जी अहमद अली हाकम जी, बड़ी खुली जी ते ठुली जी बोली है। इहदे च जिहड़े लफ्ज़ ने ना, क्योंकि मेरा तां काम ही सारा दे लफ्ज़ां दे नाल है, ਬੜੇ ਡਾਡੇ ਡਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਥ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਥ ਮਤਾ ਸਰਾਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਣਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੁਗਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਰਿਸਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੁਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਚੁਣਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਨਫ ਦਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਬਾਰਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਲਗਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਲਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਥ ਨਾਥ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਫੀਅਤ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਨਾਥ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਕਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਅੱਤਫਾ ਹਦੀਅਤਨ ਅਕੀਦਤਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਹਫਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ।
क्या क्या बात है जी, बड़ी गल है, बड़ी सोहनी गल तुम दसी है। बाकी जी थोड़ा एक एक लफ्ज जो होंगे वह इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डुबिया होंगे है जी, क्या बात है। यही इंसान की यही मिराज है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत ही सारा कुछ है साढ़े लिए। अच्छा तखल्लस हाकम बड़ा डिफरेंट जहा है, हाकम तखल्लस से कि एक निकी बजाय रखने की। असल च शाजी लफ्ज हाकिम तो मुराद सी मेरे पहले तो मैं जब शायरी शुरू की थी तो मैं अहमद अली अहमद भी इस्तेमाल करता रहा। अच्छा जी। और फिर अहमद अली नादम दे कुछ चंद अशार भी लिखे, चंद कलाम लिखे, लेकिन बहुत दरीना तो अहमद अली हाकिम तो खलस इस वास्ते रखा कि मेरे मुर्शिद कामिल का नाम बाबा हाकम अली सरकार सी। बाकी मेरी जी अपनी एक वो भी राय भी सामने सी, दूसरी सी कि अहमद और अली दे सामने लफ्ज हाकिम तो जचदा नहीं सी। वाह वाह वाह, क्या बात है माशाल्लाह। वो ऐसा अल्लाह ने एक मेहरबानी फरमाई के रहबरे कामिल दा भी ना हाकिम सी ते मैं अहमद और अली नु भी हाकिम मानना। क्या बात, मेरी सा मानदा, मेरा अंग अंग मानदा। क्या बात, तो इस वास्ते मैं अपने नाम नु अज भी ना अपनी जात नु मैं नादम ही समझना। लेकिन इन दोनों हस्तियों के सामने लफ्ज नादम या कुछ और तखल्लुस नहीं सजदा सा। वाह वाह वाह, तो मेरे तो इस वास्ते मैं कभी मेरे मुर्शिद का नाम ही है ते ए दोनों हाकम भी ने ते गल जरा सोहनी लगेगी। क्या बात है, वास्ते तुसी जी बढ़िया बहुत ही खूबसूरत गल्लां दस रहे हो तुसी हैं जी, दिल खुश हो गया सुन के, एक बहुत मेरे कैफियत जड़ी नहीं साड़ी। अच्छा ये ना शरीफ तो तुसी बालपन तो पढ़ते होवोगे, शर्फ हासिल होता होगा तुम इवें पढ़ते सन घर तो उन्होंने वेख वेख के दिल मेरा भी शौक फट गया कि चलो मैं भी नात पढ़िया करा। दूसरा कि मेरे वालिद साहब भी इमाम मस्जिद सन, मौलाना मौलवी नूर अहमद साहब मरहूम ने 2 साल हो गए उन्होंने दुनिया तो पर्दा किए, गल खुल गई मेरे साडे सारे देखने वाले खुल जाए की गल भी थोड़ा जरा पिछू खानदानी पस मंदिर है या पिछोकड़ जरा है वो बड़ा स्ट्रोंग है मस्जिद हवाले ना, बहुत बड़ी गल है जी। ये बिल्कुल वो दुआव ने थोड़े जिम्मे बुजुर्गों दस रहे हो वो मतलब इमाम मस्जिद बैगी भी थोड़े माशाला दीन की खिदमत लगे ने। अच्छा ये पढ़ने तो गल होगी तो ना सिर्फ लिखण का कदों तुम ये अपना शौक लगा, कदों तुसा शुरू किया, किस उम्र शुरू किया? शेर ते कहता कहता कदी गजल भी कह लेंदा सा, कदी साडा सकाफत दोड़ा माइया वह भी लिख लेंदा सा, लेकिन ना तो उदो भी लिख रहा सी। क्या बात, उस दौर तो क्या बात, नात लिख रहा सी, लेकिन फिर हौली हौली सारे नातां कसीदा गोई या नात गोई रह गई, फिर बाकी तमाम असनाफ साइड ते हो गई हैं। अच्छा तो लिखा मैं काफी पहले भी है, ये जी पुख्तगी है ना जी, ये खास तुहाड़े ते नजर है, तुहाड़े पीरां दी तुहाड़े बुजुर्गां दी दुआवां ने बहुत सोहणा, तुहाड़े कलाम च बड़ी पुख्तगी है ते तुहाड़े नाल गल्लां करके मैनूं एक मैं क्योंकि रोजाना ही पढ़े लिखे लोकां नाल गल्लां करीदियां ने, आप तां मैं पढ़िया नहीं, लेकिन मैं इस चीज से पहुंचा वहां कि साढ़े जो नाथ खान है ना जी, नाथ खान जो साढ़े ने वो तुहाडे वर्गे जो सारे ही हो जाए तो क्या बात है जी, है इन्नी ज्यादा नॉलेज रखते हो बहुत दिल खुश हुआ। तेरे को नाथ शरीफ सुनना चाहते हैं जी असं जी, कलाम शरीफ जी कोई सुन सुनाओ, थक गए उड़ीकों में नैन या कोई होर जरा तुम पसंद हो सारे ही माशाल्लाह बहुत बहुत सुने ने, कोई कलाम शरीफ सुन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलम लकया हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी दे जेड़े भी उबदार हो दिल, नबी दे जेड़े भी उबदार हो दिल, ओही जन्नत दे सही हकदार हो दिल, ओही जन्नत दे सही हकदार हो दिल, जिन्ना कर लई ये पंज तन दी गुलामी, जिन्ना कर लई पंज तन दी गुलामी, ओ डुबदे नहीं सदा ओ पार दिल, नबी दे जेड़े उबदार हो दिल, फकत जहरा के बचड़े ने जहाते, फकत जहरा के बचड़े ने जहाते, मोहम्मद ते जड़े असवार हो दिल, नबी दे जेड़े भी उबदार हो दिल, तू जो मंगना ही मंग ले मुर्तजा तो, तू जो मंगना ही मंग ले मुर्तजा तो, उझलिया कद इथों इनकार, नबी दे जेड़े भी उबदार हो दिल, नबी जनानु हाकिम आखे सैयद, नबी जनानु हाकिम आखे सैयद, ओही हाकिम ओही सरदार, सुहान अल्लाह क्या बात जी, बहुत खूबसूरत आवाज नबी, ये बहुत खूबसूरत आवाज ते बहुत खूबसूरत कलाम। अच्छा, एक प्रोग्राम के आखिर में एक साड़ी छोटी जी एक फरमाइश और भी सी, सानू किसी ने मैसेज किया सी कि सोना है मनमोहना है, इन्हें दो शेर सानू तुसी तेरा लाल जी कवे सादी आवारी जावा, कवे सादी आवारी जावा, अपनी ते गल नी करदा, रब दी बोली
बोले अपनी गल निकलता रब दी बोली बोले वेख के दे नक्श नियड़ी ओ होश मेरा पे अडोले मन मेरा पे अडोले क्या बात है सियाराताएं दे काले काले वाले जी कवे सादी आवारी जावा मोड़ाए मन मोड़ाए आन ला तेरा लाल जी कवे सादी आवारी बहुत शुक्रिया जी थोड़ा बहुत शुक्रिया थोड़ा बड़ा कीमती वक्त लिया असा असी साडे देखण वाले थोड़ा शुक्रिया अदा करदे ने साडी सारी टीम ते अमदनी असी उडीक रखांगे जी कि तुसी साडे कोल तशरीफ लओगे तंदावत भी देने असी ऑन स्क्रीन जी ते बहुत चंगा लगा तुहाडे नाल गल करके बहुत मेहरबानी जी डॉक्टर गुरजिंदर बुखारी पंजाब पाकिस्तान बहुत शुक्रिया वेलकम जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरजिंदर बुखारी पंजाब पाकिस्तान तो इजाजत चंद शब रखा